हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल में बैनर इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि उसकी जो साइज़ रहती है 2048x1152 पिक्सल, जो कि आपको यहां पर शो हो रहा होगा, जो कि मैक्सिमम उसकी साइज़ जो रहती है वो 6 MB की रहती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको वो साइज़ कहां पर मिलेगी, आपको कहां से डाउनलोड करना है और उसको फिर आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका कोई सी भी कैटेगरी का चैनल हो, जैसे कि मेरा टेक का चैनल है, आपका अगर कुकिंग का हो या फिर डांसिंग का हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा टेक्नोलॉजी फ़ोटो 2560x1440, मतलब कि इस साइज़ में मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और फिर इमेजेस पर जाऊँगा, तो मेरे पास में बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ आ जाएंगी जिसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर उस पर मैं एडिट कर सकता हूँ। कुछ भी जो भी मेरे चैनल का नाम है या फिर कुछ भी है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये फर्स्ट वाला डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ पर और भी स्क्रॉल करेंगे तो सारा आपको इसी साइज़ में शो हो जाएगा। आप कुकिंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुकिंग डाल दीजिए टेक्नोलॉजी की जगह पर। तो अब मैं जाता हूँ मेरे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे कि मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर वो जो साइज़ वाला इमेज है जिसका बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर वाइट रख रखा है, वो यहाँ पर मैंने लगा रखा है। इसका भी जो लिंक रहेगा डाउनलोड करने का, इस साइज़ की इमेज का, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ पर क्लिक करके और इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेरे उस फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करूँगा, जो फ़ोटो मैंने वहाँ पर आपको बताया। तो ये वाला फ़ोटो मैंने यहाँ पर ऐड किया। ऐड करने के बाद में फिर मैं इसको पूरा उसी साइज़ में बड़ा कर लूँगा जिस साइज़ में मुझे ये चाहिए। तो जैसे कि मैंने इस साइज़ में इसको बड़ा कर लिया है। बड़ा करने के बाद में फिर जैसे कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मैं राइट पर क्लिक कर दूँगा जिससे कि ये सेव हो जाएगा इसी जगह पर। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कराना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिख दूँगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर नाम लिखने के बाद में फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब इधर साइड से इसको फॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में मैं मेरे कलर में जाऊँगा। मुझे यहाँ पर कलर ये वाला चाहिए, जैसे कि ये वाला, और यहाँ पर मुझे रेड चाहिए, इस तरह का मुझे कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको फिट करूँगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा पहले मैं। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर जैसे कि सोशल मीडिया के जो स्टिकर रहते हैं वो यहाँ पर लगाना है, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फिर यहाँ पर फेसबुक या ट्विटर का अगर आपको लगाना है तो आपको यहाँ पर स्टिकर पर जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है इंस्टाग्राम लोगो। आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर का यहाँ पर अलग ही शो हो जाएगा। आप एक एक करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला बेस्ट लग रहा है तो मैं ये वाला यहाँ पर ट्राई करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा है उसी लाइन में ये आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सेंटर में इसको सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर अपने चैनल से रिलेटेड कुछ भी वन लाइनर में कुछ लिखना, मतलब कि एक लाइन में कुछ भी आपके चैनल के लिए लिखना हो, तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर स्टील इस तरह से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। इसका भी मुझे फॉन्ट जैसे कि ये वाला ठीक लग रहा था, इसमें भी मैं कलर वगैरह जो है अपने हिसाब से, अभी फ़िलहाल में तो ये वाला ही ठीक है, इस तरह से मैं रख दूंगा। रखने के बाद में फिर इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इस तरह से सेट करने के बाद में
आप इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे मैंने यहाँ पर इतना ही लिखा है, आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको दो तीन लाइन का लिखना हो तो आप दो तीन लाइन का भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेट हो जाने के बाद में आप यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि ये पूरा एक तरह से सेव हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आप इफेक्ट इसमें डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। कि बेसिक बैनर इमेज जो है वो यहाँ पर बन चुका है, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको गैलरी में सेव करना है। तो ये सेव हो चुका, उसके बाद में आप डन कर देंगे। डन करने के बाद में फिर आपका जो बैनर इमेज है वो बन चुका है। इस तरह से आप अपने YouTube चैनल के बैनर इमेज को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।